एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभी को एक गांव में उपदेश देने के लिए गए हुए थे। उपदेश पूरा होने के बाद जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के जाने का समय आता है, तब गांव के लोग बुद्ध को कई सारे तोहफे देते हैं। बुद्ध सभी तोहफों को अपने शिष्यों से कहते हैं कि लेकर रख ले। उस सभा में उस गांव की एक वृद्ध महिला भी आई होती है, जो कि बहुत बहुत गरीब थी। जब उसे ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध उसके गांव में आए थे, वो तुरंत उनसे मिलने आती है और उनके उपदेशों को सुनती है। जिस समय सब बुद्ध को भेंट दे रहे थे, तब वो स्त्री भी स्वयं के पास से रखा हुआ झूठा फल, जो कि आधा उसने खा भी लिया था, बुद्ध को ले जाकर देती है और कहती है कि मेरे पास सिर्फ यही है आपको देने के लिए। ये सुन बुद्ध स्वयं के स्थान से उठकर उस स्त्री के पास जाते हैं और वो फल खुशी से स्वीकार करते हैं। ये देख गांव के लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जब हमने आपको भेंट दी तो आपने उसे रखवा दिया, जबकि एक झूठे फल को लेने के लिए स्वयं के स्थान से उठकर उस स्त्री के पास आप स्वयं चलकर गए, ऐसा भेदभाव क्यों गुरुदेव? तब बुद्ध कहते हैं कि आप सबने जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी किया, वो सब महज दिखावा था। सबको दिखाने के लिए आपने मुझे भेंट दी, जबकि वहीं उस स्त्री ने अपनी खुशी से मुझे ये दिया। और श्रद्धा और प्रेम से किया हुआ दान हो या भेंट, सदैव उत्तम होता है। दोस्तों, कभी किसी को कुछ भी देने के लिए मन में श्रद्धा और प्रेम होना अनिवार्य है, अन्यथा उस दी हुई भेंट का कोई अर्थ नहीं होता। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।